नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस केसेस में आपका इनकम टैक्स स्क्रूटनी केसेस कंपल्सरली होगा। तो यहां पर कुछ लिस्ट दिए गए हैं। हर साल सीबीडीटी एक गाइडलाइन इशू करता है और सिलेक्शन पैरामीटर बताता है कि इस पैरामीटर पर अगर आपके रिटर्न आएंगे या इस पैरामीटर में अगर वो कवर होंगे तो आपके कंपल्सरी इनकम टैक्स स्क्रूटनी केसेस किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए स्क्रूटनी केसेस के क्या पैरामीटर रखे गए हैं और असेसमेंट प्रोसीजर किस तरह कंडक्ट किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 10 जून 2021 को सीबीडीटी ने गाइडलाइन निकाला जिसमें बताया उसने कंपल्सरी सिलेक्शन ऑफ द रिटर्न फॉर कंप्लीट स्क्रूटनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग कैसे होगा इस केसेस में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो पैरामीटर उन्होंने बताया, केसेस रिलेटेड टू द सर्वे अंडर सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इस केस में सर्वे किया जाता है, जिस सर्वे में अगर वो केसेस सर्वे के अंदर आता है, इनकम टैक्स सर्वे किया जाता है, तो वहां पर आपका कंपल्सरली स्क्रूटनी केसेस आएंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूजन दिया गया है, अगर सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट नोट इम्पाउंडेड अगर जब्त नहीं किया गया है, एंड यहां पर देखिए वर्ड है एंड, रिटर्न इनकम जो है आपका इज नॉट लेस देन द रिटर्न इनकम ऑफ द प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, तो आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर फॉर द कंपल्सरी स्क्रूटनी केसेस। तो अगर सर्वे होता है जहां पर इंपाउंडेड बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है आपका और रिटर्न इनकम आपके रिटर्न इनकम ऑफ द प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर से कम नहीं है, तो उस केस में कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक्सक्लूजन है। लेकिन 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 सैड एक्सक्लूजन नॉट एप्लीकेबल जहां असेसी हैज रिट्रैक्टेड, अगर मुकर पीछे हट जाता है असेसी क्या करने से, डिस्क्लोजर करने से। अगर कोई सर्वे या केसेस में कुछ डिस्क्लोजर करने से अगर मुकर जाता है, पीछे हो जाता है, तो उस केस में कंपल्सरी स्क्रूटनी होगा। इसमें क्या असेसमेंट प्रोसीडिंग किया जाए लिया जाएगा, तो उसके बारे में देखिए हम लोग देखते हैं कि जो 143 सबसेक्शन 2 का जो नोटिस है उसपे इशू करने के बाद जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर आप इस 143 सबसेक्शन 2 में नोटिस इशू करता है, करने के बाद केस को सेलेक्ट करेगा कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए जहां पर विच हैव इंपाउंडेड मटेरियल, जहां पर मटेरियल इसने इंपाउंडेड किया है, और उसको ट्रांसफर करेगा अंडर टू सेंट्रल चार्जेस अंडर सेक्शन 127। देखिए दोस्तों सेक्शन 127 में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द केसेस होता है, ठीक है, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। लेकिन एक सेक्शन फेसलेस असेसमेंट में आया है 130, तो उसके अंदर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्शन 127, मतलब कुछ केसेस जैसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द असेसी, ठीक है, तो इस तरह के केसेस को उसमें ड्रॉप किया जा सकता है। तो और विद इन 15 डेज ऑफ द इशू ऑफ द नोटिस, तो इशू नोटिस जब इशू किया जाएगा 143 सबसेक्शन 2 में, उसके 15 दिन के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेंट्रल चार्जेस को। और आफ्टर इशू ऑफ द नोटिस जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर फॉर कंपल्सरी सिलेक्शन असेसमेंट प्रोसीडिंग इन ऑफ केसेस सिलेक्टेड फॉर द कंपल्सरी स्क्रूटनी and where there is no important material will be conducted by the national faceless conducted by the national faceless assessment center, the assessing officer shall kya karega us case mein, upload karega survey report in the ITBA. ITBA kya hai, income tax business application, तो इसके इस पर वो अपलोड कर देगा सर्वे रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर। दूसरा केसेस है जहां सर्च एंड सीजर किया जाता है। दोस्तों जहां सर्च और सीजर केसेस हैं, तो उस केस में असेसमेंट जो किया जाता है सेक्शन 153A क्या है, 153A जो है आपका
सर्च एंड सीजर के केस में असेसमेंट का सेक्शन है। 153 सी क्या है, 153 सी है कि अगर असेसमेंट ऑफ अदर पर्सन, अगर सर्च एंड सीजर करने जाते हैं और दूसरे पर्सन का बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह आपको मिल जाता है और सर्च सीजर करते हैं, लगता है कि यहाँ पर कुछ है, लगता है कि टैक्स चोरी की मामला है कुछ है, तो उस केस में उसके जो जिस अदर पर्सन का जो केसेस हैं और उसके ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर को इंटीमेट करना होता है, तो 153 के अंदर अगर हो गया, या रीड विथ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, दैट इज द 143 सबसेक्शन 3 स्क्रूटनी केसेस के जो ऑर्डर आते हैं 143 सबसेक्शन 3 में आते हैं। तो असेसमेंट इन सर्च एंड सीजर केसेस टू बी अंडर सेक्शन 153A 153C रीड विथ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 and also for the return file for the assessment year relevant to the previous year in which search was conducted under section 132. Section 132 क्या है? Search and seizure का section है, और requisition was made under section 132A of the Act. 132A क्या है? Requisition, जैसे मान लीजिए कोई other authority है, जैसे मान लीजिए enforcement director, CBI या फिर other authority ने अगर कोई इस तरह का सर्च सीजर किया है तो उससे रिक्वेशन करके उससे इंफॉर्मेशन मंगवा लेते हैं। तो इस केसेस में, तो केसेस फॉलिंग अंडर सेक्शन 153C इफ लेइंग आउटसाइड सेंट्रल चार्जेस, तो उस केस में ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। 143 सबसेक्शन 2 क्या है? नोटिस ऑफ द स्क्रूटनी। In cases where return is furnished under section 153C or 142 subsection 1, section 142 subsection 1 क्या है? Calling for the information, जैसे कि assessment करने के पहले जो inquiry किया जाता है, जैसे return filing के return file करना, return मंगवा लेते हैं, account मंगवा लेते हैं, कोई information मंगवा लेते हैं, तो 143(1) calling for the information in cases where no return is furnished under section 153C. Such cases shall be transferred to the central charge under section 127 of the Act within 15 days of the issue of the notice under section 143 subsection 2 or 142 subsection 1 के अंदर। दोस्तों अब आइए तीसरा केस देखते हैं जहां पर केसेस वे आर नोटिस अंडर सेक्शन 142 subsection 1 of the Income Tax Act calling the return have been issued. तो इस केसेस में क्या होता है कि केसेस जहां पर रिटर्न फर्निश नहीं किया गया है इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस, 142(1) में कहते हैं कि आप रिटर्न डालो, एक नोटिस देते हैं और दिया नोटिस लेकिन रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, इन दैट केस दिस केसेस विल बी टेकन अप फॉर द कंपल्सरी स्क्रूटनी बाय नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा होगा। दूसरा केसेस Where cases where return has been furnished in response to notice under section 142 subsection 1 of the Act, and notice under section 142 subsection 1 of the Act was issued due to information contained in NMS cycle. NMS cycle क्या होता है? National, ये NMS cycle जो होता है non filer monitoring system है इनका, तो NMS cycle या फिर AIR, that is the annual information return, जहां पर high value के transaction under 285BA के अंदर report होते हैं, तो AI information है, information received from a director of the INCI, तो ये इसके basis पे अगर notice issue किया जाता है, and where notice under issue due to information contained from NMS cycle, AI information or director of the INCI. उस केस में दिस केसेस देखिए यहां पर दिस केसेस विल नॉट बी टेकन अप फॉर कंपल्सरी स्क्रूटनी एंड द सिलेक्शन ऑफ द सच केसेस फॉर अ स्क्रूटनी विल बी थ्रू कास्ट सर्किल। कास्ट क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन जो है, उस जैसे पहले कास्ट के थ्रू ही होता था और अभी भी बरकरार है, तो कास्ट सर्किल के थ्रू हो जाएगा स्क्रूटनी केसेस में, कंपल्सरी सिलेक्शन इसके द्वारा सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। एंड थर्ड, वेयर रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड इन रिस्पांस टू नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, रिटर्न दिया इन रिस्पांस टू नोटिस फर्निश किया गया एंड नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) ऑफ द एक्ट वाज इशूड ड्यू टू अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी including investigation being intelligence regulatory authority agency audit objection etc cases mein, to us case mein after the issue of the notice under section 143 subsection 2 of the act
jurisdictional assessing officer for compulsory selection assessment proceeding in such cases will be conducted by National Faceless Assessment Center. नेक्स्ट केसेस है सेक्शन 148 इनकम स्केपिंग असेसमेंट में असेसमेंट और रीअसेसमेंट करते हैं तो नोटिस 148 में अगर इशू किया गया है तो अगर फर्स्ट केसेस जहां पर नो रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड इन रिस्पांस टू द नोटिस अंडर सेक्शन 148 इन दैट केस ज्यूडिशियल असेसिंग ऑफिसर शैल इशू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) ठीक है वहां पर 142(1) में नोटिस इशू करेगा कॉलिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इशू ऑन द बेसिस ऑफ विच नोटिस अंडर 148 subsequent to which उसके बाद क्या करेगा assessment proceeding in such cases will be conducted by the National Faceless Assessment Center and second cases where return is furnished in response to the notice under 148 return अगर furnished किया जाता है तो after issue of the notice under section 143 subsection 2 अगर return आपने file कर दिया तो अब scrutiny cases में regular assessment जो होता है वहाँ पर 143 subsection 2 के अंदर आपके अगर notice आता है scrutiny के लिए तो बाय द ज्यूडिशियल असेसिंग ऑफिसर फॉर कंपल्सरी सिलेक्शन असेसमेंट प्रोसीडिंग इन सच केसेस कंडक्टेड बाय द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर. अब आइए नेक्स्ट केसेस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन अप्रूवल अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ द एक्ट जहां पर 12A और ट्रस्ट का 35(1), 2, 2A, 3 और इन रिलेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए है और 1023C एजुकेशन या मेडिकल फैसिलिटीज वाले इंस्टीट्यूशन के लिए तो यहाँ पर केसेस रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन अप्रूवल अंडर दिस सेक्शन तो केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन अप्रूवल जो इस सेक्शन के अंदर मिले हुए हैं 12A, 35(1), 2, 2A, 3, 1023C तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन मिला अगर जो मिला हुआ है रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल अगर कोई अप्लाई किया है तो उसको ग्रांट नहीं किया गया या फिर पहले वाला है उसको कैंसिल कर दिया गया है या विड्रॉन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन दैट केस क्या होगा असेसी हैज बीन फाउंड टू बी क्लेमिंग और फिर भी वो क्या है असेसी क्या कर रहा है टैक्स एग्जम्पशन या डिडक्शन रिटर्न में क्लेम कर रहा है तो उस केस में आपको स्क्रूटनी के केसेस कंपल्सरी सिलेक्शन होंगे. However, where such order of the withdrawal of registration of approval, लेकिन जहां पर withdrawal of registration या approval reverse या set aside by appellant authority के द्वारा set aside या reverse कर दिया गया, in that case selection of compulsory selection clause is not apply. After issue of the notice and इस case में क्या होगा? Conduct कैसे किया जाएगा assessment? 143 subsection 2 के notice issue करने के बाद judicial assessing officer select करेगा compulsory selection and proceeding conducted by the National Faceless Assessment Center. अब last cases है जहां पर compulsory selection international taxation या central circle charges के केस में तो यहां पर कोई specific provision नहीं दिया है कहा गया without prejudice to the above following the above prescribed guideline shall ऊपर guideline prescribed guideline follow किया जाएगा shall as earlier जैसा कि पहले है था continue to be handled by the same charges. तो ये थे cases जहां पर आपके return compulsorily scrutiny cases में लाए जाएंगे तो इन बातों को रखेंगे ध्यान और ये scrutiny guidelines जो हैं issue किए गए हैं financial year 2021-22 के लिए जो current financial year चल रहा है. तो thank you so much for watching this video.